इस पॉट में हम इस प्लांट को रिपॉटिंग करेंगे। सो ये क्ले पॉट है, अर्थन क्ले पॉट, और ये इसमें यूज़ करेंगे हम बेस लेयर में। ये ऑर्गेनिक सॉइल है, सो हम ये भी यूज़ करेंगे। हम इस बार एक्वेरियम सॉइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है अपना इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स के लिए, वो एक्वेरियम में कैसा काम करता है प्लांट्स के लिए। सो लेट्स बिगिन। हम इसको क्रश करेंगे और इसमें बेस लेयर में डालेंगे, सैंड का टॉपिंग करेंगे यहाँ पर, सो जो ये मिक्स हो वो पानी में डिजॉल्व ना हो ज़्यादा। एक इंच का पोर्शन हमने एम्प्टी रखा है थोड़ा, यहाँ तक हमने ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स यूज़ किया है। अभी हम ये इनर्ट सब्सट्रेट है एक्वेरियम सैंड जो कैपिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिससे जो ऑर्गेनिक मिक्स है वो स्प्लिट ना हो। ये पॉट रेडी हो चुका है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इसमें मिक्स प्लांट यूज़ किए गए हैं और ऑर्गेनिक सॉइल, तो अभी डीप करेंगे, थोड़ा मेसी होगा टाइम। हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बच गया था, सो हमने एक्स्ट्रा पॉट भी लेके आया है। ये अर्थन ग्लास है, हमें इसका भी यूज़ करेंगे। बेस में हमने सेम जो फर्स्ट पॉट में यूज़ किया था वही यूज़ कर रहे हैं। फाइनली सभी प्लांट्स का पॉटिंग हो चुका है, एक्स्ट्रा प्लांट्स को भी हमने एक अलग सेपरेट पॉट में लगा दिया है। अभी हम इसका इस ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स का आपको रिव्यू डेफिनेटली बताएंगे कि इसमें प्लांट्स कैसा ग्रो होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट्स के बारे में बताएंगे, हम कौन सा लाइट यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।